वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से रिव्यू, मैं हूं रहमत और आज मैं बात करने वाली हूं कोरोना वायरस के ऊपर। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है तो फिर सोचा कि आप लोग से ज़रूर शेयर किया जाए, क्योंकि अभी जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है हमारी, उसमें बहुत सारी खबरें ऐसी उड़ रही हैं जिसको पढ़कर लोग डर रहे हैं। जी हाँ, डर रहे, मैं भी डर गई, मेरे घर के लोग डर गए। उसमें मैसेज में आया, जो कि मैं यहाँ पर टैग कर देती हूँ, मैसेज में आया कि जो चिकन जो है खाने से कोरोना वायरस हो रहा है और उसमें भी कोरोना वायरस है। तो हम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले चिकन खाया था तो बहुत काफ़ी डर गए कि यार क्या होगा, ऐसा खा लिया है, इंडिया में हो गया, ये इस तरह की खबरें उड़ रही थी। तो मैंने उसके बारे में बहुत सारी साइट्स खोली, बहुत सारी उसके बारे में पढ़ा कि क्या रियली चिकन में आ गया है, तो इंडिया में आ गया इसे और ऐसे लोग खा के मर रहे। तो मैंने बहुत सारे पोस्ट को पढ़ा, यूट्यूब चैनल पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया, विकिपीडिया, हर जगह जहाँ मन किया वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला कि जी हाँ, बर्ड्स फ्लू भी हो रहा है, वहीं पर हो रहा है जहाँ पर ये जो कोरोना वायरस चाइना में फैला है, जिसका एपिसेंटर वुहान है, वहाँ पर जो चिकन है उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है ये कोरोना वायरस। और लगभग 7,000 चिकन में से 4,000 चिकन की वहाँ मौत हो चुकी है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग वहाँ मर रहे, उसी तरह से चिकन भी इस डेडली डिजीज़ से अटैक्ड है। तो क्या वो वायरस इंडिया के भी चिकन पे अटैक कर गया है? तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, अभी इंडिया में ये नहीं आया, लेकिन हाँ, हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, बहुत सारे भाई बहन को ये भी नहीं पता कि कोरोना वायरस क्या है, न्यूज़ में सुन रहे हैं, इधर से सुन रहे हैं, उधर से निकाल रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूँ कि कोरोना वायरस एक वायरस का ग्रुप है जो कि मोस्टली मैमल्स को और बर्ड्स को इन्फेक्ट कर रहा है, और इसमें मोस्टली हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो अटैक हो जाती है और हमें एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम हो जाता है अगर ये बहुत सीवियर केस में हो जाता है तो। और नॉर्मल केस में हमें कॉमन कोल्ड एंड कफ ही रहता है, हमारे नाक से पानी आती है, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा चोक हो जाता है और हम लोग मर जाते हैं। और मोस्टली ये हवा में फैली हुई है ये बीमारी, और सांस लेने से ये बहुत जल्दी अटैक कर रही है लोगों को, और इसका केस इंडिया में भी बहुत जगह हो चुका है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से चिकन में ये बीमारी नहीं आई है। लेकिन फिर भी हम लोगों को चिकन अवॉइड करना है, अभी नहीं खाना है बहुत दिनों तक, जब तक कि ये बीमारी पूरा तरह से हट नहीं जाए। और पहले भी ये बीमारी हो चुकी है 2012 में, और उस टाइम इस बीमारी का नाम था सार्स और मर्स, और ये भी इन जो सार्स और मर्स जो फैल रहा था उसमें भी यही वायरस था, कोरोना वायरस ही फैमिली से वायरस था जो लोगों को जिससे लोगों की मौत हुई थी। तो अभी भी वैसा ही है, लेकिन ये और लीथल है, बहुत ही ख़तरनाक है, डेडली डिजीज़ है, लोग मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं। और ये जब चिकन्स वगैरह में जब डिजीज़ अटैक करती है तो मोस्टली उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम को अटैक करती है, और काऊ और पिग्स को अगर ये डिजीज़ होता है तो उनको डायरिया हो जाता है, और हमें ह्यूमन बींग्स को भी रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही ये बीमारी अटैक करती है। तो ये था कोरोना वायरस को लेकर कुछ न्यूज़। और मैं आपको बता दूं कि अभी डरने की बात नहीं, चिकन में नहीं फैला, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसे अवॉइड करना है और बिल्कुल भी नहीं खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, धोकर खाइए। और कोरोना वायरस को लेकर ये कहा गया है कि हम लोगों को साफ़ सफाई का ध्यान देना, यानी कि जब भी कोई चीज़ हम लोग खाएँ पिएँ अपने हाथ से ही करते हैं, तो हाथ को हमेशा वॉश करें और अच्छे हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, जिससे कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे हाथ में है तो वो चीज़ हट जाए। तो इट्स ऑल अबाउट द कोरोना वायरस एंड चिकन। और जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे लोग ये हल्ला फैला रहे हैं, झूठ नहीं फैलाइए कि लोगों की इससे मौत हो गई है, क्योंकि घर के बहुत सारे लोग खा रहे हैं और उन्हें डर हो गया है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि अब थोड़ा रोक दीजिए और ये सब नॉनवेज वगैरह खाना स्टॉप कर दीजिए। मैं भी स्टॉप कर दी हूँ, और अब लगभग तो मैं 2 से 3 मंथ इसे खाने वाली भी नहीं हूँ, और ऐसे भी बॉयलर चिकन खाना भी नहीं चाहिए। और जो खाते हैं, जो इसे मन पसंद, उनको जो पसंद है, बिना चिकन के रह नहीं पाते, उनके लिए ये वीडियो था। प्लीज़ अवॉइड दिस एंड कोरोना वायरस को रोकने में हेल्प करिए, और जितना इस चीज़ के लिए इंसान अपने आप को रोकेगा, ये बीमारी भी रुकेगी। तो इट्स ऑल अबाउट द कोरोना वायरस। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।